आगामी लोकसभा चुनावों में प्रदेश की चारों सीटों को जीतकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना ही कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है। मंडी में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचने पर कांग्रेस प्रभारी का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश सह प्रभारी गुरप्रीत सिंह कोटली, कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने मंडी में विपाशा सदन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता ही पार्टी की ताकत है और प्रदेश की इन चारों सीटों को कोई भी नहीं बल्कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ही जिता सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सभी एक साथ हैं और एक दूसरे के सहयोग से पार्टी को जीत की मंजिल तक ले जाएंगे। इस दौरान भूतपूर्व शब्द जो सम्मेलन में बार बार संबोधित किया जा रहा था, उस पर उन्होंने कहा कि ये शब्द उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, इसे भी भविष्य बनाएं। उन्होंने कहा कि बदलाव का समय आ गया है। देश में जिस तरह से हिटलर की तरह शासन चल रहा है, उस पर भी उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई आरएसएस से नहीं है, जिसके महाराष्ट्र में दो सेंटर बने हुए हैं जहां से आरएसएस की गतिविधियों का संचालन हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी तक वो दिन लोगों को नहीं मिल पाए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के खाते में 15 लाख आएंगे, मगर लोगों के खातों में 15 पैसे भी नहीं आए। नीरव मोदी और विजय माल्या देश का पैसा खाकर विदेशों में भाग गए। प्रदेश की सरकार की हालत ऐसी है कि आज क्राइम का रेट अपने चरम पर पहुंच गया है। आज कश्मीर की हालत बस से बदतर हो गई है, इसके लिए भी मोदी ही जिम्मेवार हैं। पाटिल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने बेहतरीन विकास कार्य किया था, लेकिन अब दोबारा से सत्ता हासिल नहीं कर पाई। 4-4 मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की सरकार ने ही यहां पर खोले, जो विकास की इबारत लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र आज भी कायम है, यदि वह भी गलत करेंगी तो उनकी शिकायत भी कोई भी नेता अध्यक्ष राहुल गांधी से कर सकता है, क्योंकि इस पार्टी को लोकतंत्र पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और कार्यकर्ता इसके लिए तैयार रहें। सभी कार्यकर्ताओं को एकजुटता के साथ फिर से काम करना होगा। संगठित होकर ही पार्टी को जीत सुनिश्चित की जा सकती है। उन लोगों के साथ 3-4 साल सत्ता करती और फिर बाद में उनको पता महसूस हो।